तो मेरे भाई स्वागत है आप सभी को फिर से हमारे एक न्यू एडिटिंग में। तो गाइस आज का फोटो एडिटिंग आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार और बहुत ही ज़्यादा न्यू होने वाला है। तो सबसे पहले आप लोग इसका ओरिजिनल फोटो को यहाँ पे देख लो पहले कैसा था, उसके बाद इसको इस तरह का यानी ब्लू कॉन्सेप्ट पे इंस्टाग्राम कॉन्सेप्ट का फोटो एडिटिंग करने के बाद देख सकते हो कि ये फोटो एडिटिंग यार कितना ज़्यादा झकास, कितना ज़्यादा मस्त यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और आज हम आप लोग को इस तरह का फोटो एडिटिंग सिखाऊंगा सिर्फ और सिर्फ पिक्सार्ट ऐप से, कोई झंझट नहीं, कोई झमेला नहीं, बहुत ही आसान तरीका से। तो चलिए एडिटिंग को करते हैं स्टार्ट, और वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो मेरे भाई सबसे फर्स्ट में आप लोग फोन को रोटेट कर लीजिए, उसके बाद ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए और ध्यान से समझते रहिए, ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे आप लोग, सबसे पहले अपने फोन में पिक्सार्ट ऐप को ओपन कर लेंगे, और ओपन करने के बाद अभी आप लोग को क्या करना होगा, जो फोटो को एडिट करनी होगी सिंपली उस फोटो को क्या करेंगे हम पिक्सार्ट ऐप में कर लेंगे ओपन बहुत ही आराम आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। और वीडियो को आप लोग जरा सा भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे ओरिजिनल फोटो को पिक्सार्ट ऐप में ओपन कर चुका है। अब प्रोसेस अब स्टेप जो है वो अब स्टार्ट होगी, वो आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। तो सबसे पहला स्टेप है यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाएंगे, और यहाँ पे भी आप लोग को बहुत सारा ऑप्शन दिख जाएगा, जैसे कि देख सकते हो इतना सारा ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आप लोग को ज़्यादा ऑप्शन पे ध्यान नहीं देना है, आप लोग को एडजस्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद सबसे फर्स्ट में क्या करेंगे, ब्राइटनेस को हल्का माइनस करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से कर देंगे हम, -20 तक कर देंगे तो चलेगा। अगेन मेरे भाई यहाँ पे सेचुरेशन को हम कर देंगे पूरा -100, ठीक है, यानी फोटो को पूरा ब्लैक एंड वाइट कर देंगे। और हाईलाइट को भी हल्का माइनस करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है, हाईलाइट को हल्का माइनस करेंगे। अगेन इतना काम करने के बाद आप लोग फिर से ध्यान से देखते रहिए, आप लोग को ऊपर में इरेज वाला ऑप्शन एक मिल जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करके, और क्लिक करने के बाद क्या करेंगे, नीचे भी आप लोग को इरेज वाला ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पे क्लिक करके और हार्डनेस को हल्का बढ़ा लीजिएगा, और साइज़ को छोटा बड़ा हमेशा जगह के अकॉर्डिंग करते रहिएगा, ठीक है। और इसको क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन से ये ब्लैक एंड वाइट इफेक्ट जो लग गया है उसको हम इरेज कर लेंगे, यानी अपना स्किन तो ब्लैक एंड वाइट नहीं होना चाहिए ना, उस पर से पूरे स्किन पर से इरेज कर लेंगे बहुत ही आराम आराम से, ठीक है। तो चलिए हम ये काम थोड़ा फास्ट में कर लेते हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं। और ये काम कर लेंगे तो ब्लैक एंड व्हाइट यहाँ पर से अपने स्किन पर से हट जाएगा। अगेन मेरे भाई इसको सेव करने के लिए आप लोग को ऊपर में राइट साइड में डन वाले ऑप्शन से कर देना होगा डन, और डन करने के बाद इसको परमानेंटली सेव करने के लिए फिर से कर देंगे तो ये काम एकदम अच्छे तरह से सेव हो जाएगा इस फोटो पे। अगेन मेरे भाई क्या करना होगा, दूसरा काम आप लोग फिर से ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे इस बार फिर से जाएंगे टूल्स वाले ऑप्शन पे, और फिर से जाना होगा एडजस्ट वाले ऑप्शन पे, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करके, और इस बार हम क्या करेंगे, सेचुरेशन को माइनस करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह से इसको माइनस कर देंगे 37 या फिर 40 के राउंड कर दीजिएगा तो चलेगा। अगेन ब्राइटनेस को हल्का इंक्रीज करेंगे, ज़्यादा नहीं, 4-5 कर देंगे तो चलेगा, तो मैं यहाँ पे 2 ही किया हूँ, ज़्यादा नहीं किया हूँ। उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, ऊपर में इरेज वाले ऑप्शन पर फिर से करेंगे क्लिक, और क्लिक करने के बाद क्या करना होगा आप लोग को, नीचे राइट साइड में इन्वर्ट वाले ऑप्शन से कर देना होगा इन्वर्ट, और यहाँ से कर देंगे रीस्टोर, और हार्डनेस को बढ़ा लीजिएगा और साइज़ को छोटा बड़ा करते रहिएगा। और इसको क्या करेंगे, अपना स्किन जो है एकदम रेड रेड सा दिख रहा है, लाल लाल यानी, तो स्किन पे अप्लाई करके हम स्किन को कर लेंगे गोरा, ठीक है, बहुत ही आराम आराम से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे स्किन पे अप्लाई कर रहा हूँ तो स्किन पर से रेडनेस हट रहा है, ठीक है। तो ये भी काम आप लोग बहुत ही आराम आराम से कीजिएगा, कोई जल्दीबाजी नहीं करना है, ठीक है। तो मैं थोड़ा फास्ट में करके आप लोग को आगे बताते हैं। तो चलिए ये भी काम हो चुका है एकदम अच्छे तरह से कंप्लीट। अगेन मेरे भाई फिर से हम क्या करेंगे, ऊपर में डन वाले ऑप्शन से इसको भी कर देंगे डन, और डन करने के बाद इसको भी परमानेंटली सेव करने के लिए कर दीजिएगा डन, यानी दोबारा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर से आप लोग ध्यान से देखते रहिए, तो इसमें अब हम क्या करेंगे, PNG बैकग्राउंड सबको ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम ऐड फोटो वाले ऑप्शन पर जाएंगे, और जाने के बाद सबसे पहला काम करेंगे हम, एक ब्लू कलर का जो बैकग्राउंड है इसको हम ऐड कर लेंगे अपने फ़ोटो पे, और ये बैकग्राउंड को पूरे फुल साइज़ कर लीजिएगा, जूम अपने फ़ोटो के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। अगर इधर घसका के यहाँ पे ब्रांड वाले ऑप्शन पे आके, और यहाँ से हम इसको कर देंगे मल्टीप्ले, ठीक है, मल्टीप्ले कर दीजिएगा बहुत ही आराम से। अगर मेरे भाई आप लोग को फिर से ऊपर में इरेज वाले ऑप्शन पर ही करना होगा क्लिक इसको एडजस्ट करने के लिए, तो यहाँ पे क्लिक करके, और क्या करेंगे, फिर से हम इरेज वाले ऑप्शन पे ही करेंगे क्लिक, ठीक है। तो इरेज वाले ऑप्शन जो नीचे है यहाँ पे क्लिक करके, और हार्डनेस को बढ़ा लीजिएगा और साइज़ को छोटा बड़ा हमेशा करते रहिएगा तो चलेगा, ठीक है भाई। उसके बाद ये जो ब्लू बैकग्राउंड है इसको हम अपने स्किन अपने बाल पर से कर लेंगे इरेज, अपने टी शर्ट अपने बैकग्राउंड पर से इरेज नहीं कीजिएगा, सिर्फ और सिर्फ अपने स्किन और अपने बाल पर से बहुत ही आराम आराम से, क्योंकि ये करने में आप लोग को 2 से 3 मिनट या फिर 5 मिनट भी लग सकता है, आराम आराम से कीजिएगा, अच्छे से कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम इसको भी फर्स्ट में कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे आप लोग को बताते हैं।
सो फाइनली इतना कम टाइम में देख सकते हो आप लोग कि ये भी काम कंप्लीट हो चुका है। अगेन मेरे भाई इसको भी सेव करने के लिए या डन वाले ऑप्शन से कर देंगे डन, और डन करने के बाद एक बार हम फिर से कर देंगे डन ताकि ये भी काम परमानेंटली सेव हो जाए। ठीक है, इतना सारा काम हो चुका है। अगेन क्या करना होगा इसमें, अब PNG सब को एड करना है, तो एड फोटो वाले ऑप्शन पर जाएंगे और जाने के बाद सबसे फर्स्ट में हम सुनू वाला जो PNG है उसको हम कर लेंगे एड। ठीक है, तो यहाँ पे सुनू PNG को ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद क्या करना होगा कि आप लोग इसको फुल साइज जूम कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे पूरे PNG को पूरे अपने फोटो पे जूम कर लीजिएगा। अगेन मेरे भाई फिर से ब्लेंड वाले ऑप्शन पे जाके और इसको हम कर देंगे इस बार स्किन। ठीक है, इसका ब्लैक हट जाएगा, सिर्फ सुनू रह जाएगा, तो स्किन कीजिएगा। तो अगेन मेरे भाई क्या करेंगे, इसको अपने स्किन अपने बॉडी पे से इरेज करना है ये PNG को, तो इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक कीजिएगा, और इरेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद इसको पूरे अपने स्किन अपने बॉडी पर से इरेज कर लीजिएगा बहुत ही आराम आराम से। और मैं बता दूँ कि अब तक यार आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज़ वीडियो को जल्दी से लाइक करें, क्योंकि यार एडिटिंग सिखाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये काम भी बहुत ही आराम आराम से करेंगे। और मैं बता दूँ कि अगर थोड़ा मोड़ा रह भी जाता है ये PNG सुनू PNG बॉडी पे तो चलेगा, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, इसको भी सेव करने के लिए आप लोग को ऊपर डन वाले ऑप्शन से यहाँ से कर देंगे डन बहुत ही आराम से। तो यहाँ से डन कर दीजिएगा, फिर से डन कर दीजिएगा। अगेन मेरे भाई आप लोग फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पर ही जाएंगे, जैसा कि ये रहा, फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पर ही जाएंगे, और इस बार हम PNG को ऐड करेंगे इंस्टाग्राम PNG को। ठीक है, तो इंस्टाग्राम लोगो जो क्रिएटिव PNG है इसको ऐड करके, और मैं बता दूं कि जो भी PNG बैकग्राउंड का यूज कर रहा हूँ इस एडिटिंग में, सारा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप लोग इजीली जाके डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद इस PNG को कैसे एडजस्ट करना है ये आप लोग ध्यान से सुनते रहिए। तो PNG को सबसे पहले तो बड़ा कर लेंगे, और बड़ा करने के बाद क्या करेंगे, ब्लेंड वाले ऑप्शन पर जाके और ब्लैक हटाने के लिए इसको भी कर देंगे स्किन, और इसको अपने सर के साइड में यानी अपना जो सर रहेगा उसके बीच में कुछ इस तरह से रख दीजिएगा सबसे पहले, और इसको एडजस्ट करना होगा सिर्फ और सिर्फ अपने बैकग्राउंड में। तो यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे जाके और सबसे पहले तो क्या कीजिएगा, अपने पूरे यानी जो है वो इरेज कर लेंगे, थोड़ा एक्स्ट्रा यानी ज़्यादा ही इरेज कर लेंगे तो चलेगा। तो मैं कुछ इस तरह से इसको इरेज कर लेता हूँ, थोड़ा बाहर है। ठीक है, उसके बाद इसको भी एडजस्ट करना होगा ताकि ये जो PNG है सिर्फ और सिर्फ अपने मॉडल यानी अपना फ़ोटो जो रहेगा उसके पीछे में दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो ज़्यादा करके इरेज कर लिया है। अगेन रीस्टोर वाले ऑप्शन पे जाके इस बार क्या कीजिएगा, हार्डनेस को बढ़ा लीजिएगा आप लोग, और यहाँ पे साइज़ को हल्का छोटा कर लीजिएगा। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, अभी आप लोग ध्यान से देखते रहिए, अपना जो बॉडी होगा उसके पीछे से कुछ इस तरह से अप्लाई कर करके क्या करेंगे हम, ये PNG को अपने पीछे एडजस्ट कर लेंगे। और ये PNG एडजस्ट हो जाने के बाद देख सकते हो फोटो यार वाओ कितना ज़्यादा अमेजिंग यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, अगेन क्या करेंगे, फिर से हम इसको कर देंगे डन वाले ऑप्शन से इसको डन, तो यहाँ पे दो बार डन कर दीजिएगा तो ये भी काम हो जाएगा सेव। उसके बाद इसमें एक लास्ट काम बाकी है, वो छोटा सा काम बाकी है, तो टी शर्ट पर फिर से इंस्टाग्राम लोगो को हम ऐड करेंगे, और ये लोगो दूसरा लोगो रहेगा, वही लोगो नहीं रहेगा जिसको मैंने बैकग्राउंड में ऐड किया है, ये दूसरा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको कुछ इस तरह से ऐड करके और साइज़ को छोटा कर लीजिएगा, अपने टी शर्ट के बीच में रख लीजिएगा जहाँ पे आप लोग को एडजस्ट करना हो। ठीक है, वहाँ पे रख के कोने में, और कोने में रख के क्या करेंगे, ऊपर में लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और करने के बाद इसको बार बार डुप्लीकेट कर दीजिएगा, यानी 3-4 बार कर दीजिएगा, 1-2 और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ 3। तो ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो ऐसा दिख रहा है कि टी शर्ट पर ये PNG मतलब एड है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो इसको भी कर देंगे डन। और देख सकते हो फाइनली फोटो कंप्लीट हो चुका है बिफोर और यहाँ पे आफ्टर, इतना कम टाइम में कितना मस्त यहाँ पे एडिटिंग होके आ चुका है। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे मेरे भाई, इसको बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव करने के लिए आप लोग को ऊपर में सेव का ऑप्शन दिख जाएगा, तो वहाँ पर क्लिक करेंगे तो फोटो एकदम बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होके आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग समझ में आ गई होगी एकदम अच्छी तरह से, और वीडियो ज़रा सा भी पसंद आई होगी तो प्लीज़ अपने भाई को सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।